कल 6 फरवरी को किसान संगठनों की ओर से 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया गया है, जिसमें नेशनल और स्टेट हाईवे को रोकने की बात कही गई है। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। सिंघू बॉर्डर से अभिषेक रावत ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है और आपको बता दें कि कल 73वां दिन है और आपको बता दें कि कल 6 फरवरी को किसानों द्वारा चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। यही कारण भी है कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजामों को और चाक चौबंद कर दिया है। अभी हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और आप यहां देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस के या फिर जो अर्धसैनिक बल हैं उन्हीं के वाहनों को अंदर एंट्री दी जा रही है, बाकी सभी वाहनों को यहां से प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। साथ ही अभी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी आला अधिकारियों के साथ एक बैठक भी चल रही है, जिसमें दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन कल जो चक्का जाम का आह्वान किया गया है उससे कैसे निपटना है उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि ऐसे भी इनपुट मिले हैं कि किसानों की आड़ में एक बार फिर से जो देश की शांति को खराब करना चाहते हैं वो लोग सक्रिय हो सकते हैं और कहीं ना कहीं देश में जो अमन चैन कायम है उसको भी बिगाड़ सकते हैं। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं और जितने भी एंट्री पॉइंट हैं सब पर चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे तो पहले से ही पुलिस के काफ़ी पुख्ता इंतजाम है। इसके अलावा जो गांव के जो रास्ते हैं जो दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। साथ ही हम आपको अभी भी दिखा दें कि यहाँ पर भी पुलिस ने अब कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है। ये सबसे पहला पॉइंट अब बना दिया गया है, इसके अंदर भी 2 और पॉइंट हैं, तब जाकर जो अंदर किसान जो धरने पर बैठे हैं वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा अंदर भी जो है अब कैमरा ले जाना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस ये सबको आगाह कर रही है कि बेहद सीमित दायरे तक ही आप जाकर जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल 6 फरवरी को चक्का जाम में किस तरीके से किसान अपना प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जो किसान संगठन है, जो किसान नेता है, वो बस ये कह रहे हैं कि चक्का जाम पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जाएगा और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें एम्बुलेंस, पुलिस के वाहन, अर्धसैनिक बलों के या फिर सेना के वाहनों को या फिर कोई शादी विवाह से जुड़े जो वाहन हैं उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। ABP News आपको रखे आगे।